Hi guys, welcome back to my channel in Dress and Glow. This is Manjula Singh, your beauty expert. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच. अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. आज मैं बताने जा रही हूँ कि फेस पे अगर कुछ ऐसे दाग धब्बे आपके हो गए हैं जो काफी दिनों से आपकी टैनिंग हो गई है लंबे टाइम तक आप स्विमिंग करने की वजह से या फिर किसी ऐसी वजह से. दूसरा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम अगर आपको है या फिर एज स्पॉट हो गया है, डार्क स्पॉट हो गए हैं, मेलाज्मा की प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो कौन सी ऐसी रेमेडी है जो इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से ट्रीट भी करेगा, आपका फेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ फ्यूचर में आपको ये परेशानियां दोबारा नहीं होंगी. इसके लिए आपको कौन सी रेमेडी अप्लाई करना है वो मैं बताने जा रही हूँ. लेकिन उसको बताने के पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि एक पिगमेंटेशन है या फिर मेलाज्मा है उसका रीजन कुछ हद तक इंटरनल भी होता है. अगर आपको कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. अगर रीजन एक्सटर्नल है तो DIY आपके बहुत काम आने वाला है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. एक फेस मास्क बताने जा रही हूँ तो आपके स्किन को ना सिर्फ स्पॉटलेस बना देगा साथ आपकी टैनिंग भी रिमूव होगी और आगे आपको स्किन में किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी. तो चलिए देखते हैं वो रेमेडी कौन सी है. तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेश चीजों से बना हुआ ग्लो सीरम बताने जा रही हूँ जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा. 100% ये वर्क करेगा आपके स्किन पे. हर तरह के स्किन के लिए अच्छा है. सबसे पहले जो आपको इंग्रेडिएंट दिख रहा है उसके बारे में मैं बता दूं. इसमें मैं यूज कर रही हूँ बीटरूट और आंवला. ये हमें इस तरह से ग्रेटेड ले लिया है. इसका थोड़ा सा जूस हमें चाहिए, हार्डली 1 स्पून 1 टी स्पून, और उसका हमारा ग्लो सीरम बनेगा. तो इस तरह से ग्रेट कर देने से इसका जूस इजिली निकल आएगा, या फिर आप जैसे भी इसका जूस निकालना चाहे निकाल लीजिए, और उसका बस हमें 1 टी स्पून लेना है. तो ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा जूस ले लिया है. कितना खूबसूरत कलर है इसका. बीटरूट की वजह से इसका ऐसा कलर आया. बीटरूट और आंवला का यूज मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक तो अभी ये सीजन में है, दूसरे दोनों में लोड्स ऑफ विटामिन्स होते हैं. विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अक्सर हमारे क्रीम्स होते हैं, फेयरनेस क्रीम्स है या फिर एंटी रिंकल क्रीम है या फिर नाइट क्रीम, डे क्रीम, जो भी क्रीम है उसमें विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है. और वैसे भी विटामिन सी सीरम भी हम यूज करते हैं अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए. एक और मैं बात बता दूं, विटामिन सी सीरम का यूज करना हमारी चॉइस नहीं होती, एक नेसेसिटी होती है. इसलिए ये ग्लो सीरम आप बनाएं और अपने स्किन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाएं. तो इसके लिए हमने सबसे पहले बीटरूट और आंवले का जूस ले लिया है. इसमें जो हम पहली चीज ऐड करेंगे उसमें ये हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा ग्लिसरीन 1 टीस्पून, ये हमने लिया स्वीट एलमंड ऑयल, बस थोड़ा सा आपको लेना है, कुछ बूंदे ही इसकी काफी हैं. और लास्ट इंग्रेडिएंट है ये विटामिन ई का कैप्सूल, इसके अंदर का ऑयल हमें लेना है. तो ये इस तरह से हम इसको कट करेंगे. हमने कट कर लिया और इसका ऑयल हम इसमें मिक्स कर देंगे. अगर आपके स्किन पे फाइन लाइंस आने शुरू हो गए हैं और चेहरे पे किसी भी तरह का एज स्पॉट दिखाई दे रहा है या डार्क स्पॉट है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा काम करेगा. इस सीरम को आप यूज कीजिए एवरी नाइट, उसके बाद रात भर लगा हुआ छोड़ दीजिए. इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए. एक बार और मैं बता दूं कि इसमें हमने फ्रेश इसमें बीटरूट का जूस मिला है, आंवले का जूस मिला है, इसलिए इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है. तो ये आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा. इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं. उसके बाद आपको फ्रेश बनाना होगा. 15 से 20 दिन के अंदर ही अपना रिजल्ट आपको दिखाएगा. आपके स्किन पे इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा, आपके स्किन पे कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है उसको भी ट्रीट करेगा और आपके स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस बनाएगा. तो ये देखिए आपका ग्लो सीरम इस तरह से रेडी है. इसको स्टोर कीजिए किसी छोटे से कंटेनर में और रेफ्रिजरेट कीजिए. ये 15 दिन तक आराम से चल जाएगा. ये किसी भी एज के लिए अच्छा है. 14 ईयर्स के बाद इसको कोई भी लगा सकते हैं. ओवरनाइट इसको यूज करना है. तो देखा आपने, 2-3 इंग्रेडिएंट से रेडी हो गया और इससे आपका एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आप इस रेमेडी को अच्छी तरह से पेशेंस के साथ 1 मंथ अप्लाई कीजिए और देखिए फायदा कितना ज्यादा होता है. अगर एवरीडे आप अप्लाई कर सकते हैं तो एवरीडे कीजिए, नहीं तो वीक में 3 से 4 दिन इसको यूज करना काफी है. अगर ये रेमेडी आपको फायदा करता है तो प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना हमें नहीं भूलिए. साथ ही साथ आप फोटो शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे. होप यू वीडियो आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.